हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर हम हनुमान जी के दर्शन के समय करें, पूजन में करें, और उनको उनके पूजन में अगर किसी प्रकार की भी मिस्टेक ना करें तो हमें पूर्ण फल मिलता है। जब कोई भी भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से समर्पित हो करके याद करता है, दोस्तों कलयुगी देवता है, जागृत देवता है, सच्चे दिल से अगर हम उनको याद करते हैं तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार उनको एक गुप्त उपाय करके आप किस प्रकार हनुमान जी को सिर्फ प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें अपने वश में कर सकते हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी आसानी से उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी से पहले अगर आप श्री राम को सच्चे मन से स्मरण करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी को सिंदूर लगाएंगे जो कि उनका सबसे प्रिय है, तो हनुमान जी मिनटों में आपके वश में हो जाते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार आरती और पूजा अर्चना के बाद भगवान की मूर्ति के आसपास इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित हो जाती है, और इस ऊर्जा को कैसे हम अपने अंदर ले सकते हैं? मूर्ति की परिक्रमा करके। परिक्रमा हम क्यों करते हैं? जो भी हमने पूजन की है उससे जो पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पे वास हुआ है उसको अपने शरीर के अंदर हम धीरे धीरे धारण करते हैं, इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। और हर देवी देवता की परिक्रमा की अलग अलग संख्या होती है। श्री राम जी के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। भक्तों को यहाँ 3 परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करने पर हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। थोड़े से आपको फटाफट नियम बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार आपको वो गुप्त उपाय करना है ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। सुबह जागने के बाद और रात्रि में सोने से पहले हनुमान चालीसा या हनुमान जी की गुप्त चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार ना भी हो तो 1 बार कम से कम पूरे हनुमान चालीसा का संपूर्ण ध्यान के साथ और समझते हुए उसको आराम से 1 दीपक जला के पढ़ना चाहिए। यदि हो सके तो पूर्ण रूप से मांसाहारी खाना और मादक पेय आप त्याग दें। ना हो सके तो कम से कम आप जिस दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके आसपास आपको ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के भक्त को प्रथम श्री राम और जानकी माता का ध्यान करके कोई भी हनुमान जी का पूजन शुरू करना चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा हमेशा संपूर्ण होती है। हो सके तो मंगलवार और शनिवार या किसी भी एक दिन हनुमान जी का व्रत करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, और ना भी हो सके तो मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। चोला चढ़ाना क्या होता है? लाल रंग का सिंदूर, उसमें 2-3 ड्रॉप चमेली का तेल डालते हैं और उसके बाद उनके समस्त शरीर पे उसको लगाया जाता है। इसको कहते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना। लाल मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं और उसके बाद जनेऊ पहनाएं। फिर उन्हें गुड़, चना या केला का प्रसाद चढ़ा करके अगर आसपास आपके बंदर हों तो उनको खिलाएं, और नहीं तो जो भी लोग आते जाते लोग हैं उन सबको प्रसाद का वितरण करें। इस तरह इन बातों का ध्यान करते हुए अगर आप बालाजी की महाराज की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास हो जाता है। दोस्तों, मंगलवार को गुप्त रूप से घर पर एक तांत्रिक उपाय है जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर वो आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है घर पे होता है सिर्फ पैसा ही पैसा। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति जैसा मैंने बताया तुरंत फलदायी मानी गई है, क्योंकि जागृत देवता हैं और मनुष्य यदि बहुत सारी पीड़ा या परेशानियों से घिरा हुआ है तो इन सब से मुक्ति के लिए मंगलवार से अच्छा कोई दिन
हो ही नहीं सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह के कारण ही व्यक्ति लोन एवं उधार जैसी परेशानियों से घिरा रहता है। इसके साथ ही मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना गया है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को पूर्व ग्रह बताया गया है क्योंकि यह व्यक्ति को अधिकांश स्थितियों में अशुभ फल ही प्रदान करता है। यही कारण है कि मंगल के दिन किसी से उधार लेना ठीक नहीं बतलाया गया है, और यदि कोई व्यक्ति लोन लेता भी है तो लोगों को बड़ी कठिनाई के साथ उस दिन लिया गया लोन चुका पाता है। तो आज मैं आपको बता दूं कौन सा तांत्रिक उपाय है जिसके जरिए आप पैसों की तंगी से मुक्त हो सकते हैं। मान्यता हेतु तंत्र शास्त्र के उपाय जल्दी असर दिखाते हैं और मंगल ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आपको लाल गाय की पूजा करनी है। हो सके तो ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। कैसे करनी है आपको लाल गाय की पूजा? लाल गाय को आपको एक रोटी और गुड़ देना है मंगलवार के दिन, और सिंदूर से लाल गाय को तिलक करके हो सके तो थोड़ी सी मूली उसके सींग पे बांध देनी है। दोस्तों स्टंट नहीं करना है आपको, अगर आप कर सकें तो ठीक है मूली, और नहीं तो कम से कम गुड़ और रोटी का भोग उनको जरूर लगाएं और रोज हो सके तो लाल गाय की पूजा करें। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांधकर आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। तीन बजरंग बाण के पाठ आपको करने हैं दोस्तों, और आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर का अगर कोई कर्जा है तो वो चूक जाता है। अगर आप देखेंगे कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके धन की समस्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये उपाय करने से आपके घर में पैसे की बरसात होने लगती है। हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में थोड़े से गुड़ और चने का दान करने से भी माना जाता है कि बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, आपकी कठिनाइयां दूर हो जाती है, और 21 मंगलवार तक हनुमान जी को चमेली का तेल, केवड़े का इत्र और 5 गुलाब का फूल चढ़ाएं। जैसे मैं उपाय बता रही हूँ, सभी उपाय तंत्र विद्या के अनुसार बता रही हूँ। ये उपाय चुपचाप करें, बिल्कुल किसी को बतलाए बिना करें, तभी अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना है कि इन उपाय में कभी भी आपको ये नहीं सोचना है मन में कि शंका नहीं करनी है कि पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, ये सफल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मंगलवार को गुप्त रूप से आप अगर घर पर कर लेंगे ये उपाय, तो आप देख लेंगे घर पे कैसे पैसों की तंगी आपके जीवन से दूर हो जाती है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी को पान चढ़ाने का रिवाज है। इस पान के साथ विशेष प्रार्थना भी की जाती है। मान्यता यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्या का नाश हो जाता है। कैसे बनवाना है आपको हनुमान जी के लिए विशेष पान? ध्यान रखें, अगर मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन पान चढ़ाने से आपका मंगल ठीक हो जाएगा। इस पान में आपको क्या करना है, केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और कतरी डलवानी है, थोड़ी सी सुमन कतरी डलवानी है। ध्यान रखें ये पान एकदम ताजा, मीठा और रस भरा हुआ होना चाहिए। पान में चूना, तंबाकू, सुपारी आदि नहीं डलवानी है। विधि विधान से पूजन करने के बाद हनुमान जी से लास्ट में पूजन में आप हनुमान जी को ये पान अर्पण करें। प्रार्थना ऐसे करें, हे हनुमान जी, ये मीठा पान अर्पण है, मेरे जीवन में मिठास भर दीजिए इस पान की तरह, और हमारे जीवन के सभी क्लेश को दूर कर दीजिए। हनुमान जी को यदि यह बोलकर अर्पण करेंगे आप ये मीठा पान, तो बजरंग बली की कृपा से आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्दी ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, यानी कि हनुमान को लक्ष्मी के 8 रूप का आशीर्वाद है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं तो आप पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बरसेगी।
राम भक्त हनुमान अगर खुश हो जाएंगे तो राम भी प्रसन्न होंगे, और शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसे में आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। शनि ने श्री हनुमान जी को वचन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उस पर शनि की टेढ़ी दृष्टि नहीं रहेगी। अगर आप पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि कमजोर है, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें पान चढ़ाएं, और फिर आप देखेंगे कैसे आपको शनि भगवान भी परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, मंगल कमज़ोर है तो मंगलवार के दिन पान चढ़ा करके अपना मंगल ठीक कर लें, हनुमान जी को मना लें, और देखेंगे कैसे आपके सारे मंगल दोष दूर हो जाते हैं जीवन से और आपके जीवन में खुशहाली छा जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हनुमान जी का वार है, मंगलवार का दिन है कल, कर लीजिए टोटके, छोटे छोटे जो गुप्त उपाय मैंने आपको बताए हैं, और आपके घर में आएगा फिर पैसा ही पैसा। धन की जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जानी है, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जीवन कर्म प्रधान है तो सबसे पहले हमें खूब सारा हार्ड वर्क करना चाहिए, ढेर सारी मेहनत करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मैंने पूजा उपगुप्त उपाय ये सब बताती हूँ वो करें, तभी हमारे जीवन में भगवान भी हमारी मदद करेंगे। अपने परिवार से, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी मुसीबत में है, उन सब से ये वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, किसी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मुझे 15 जून के बाद आप ईमेल करें, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। आज के लिए इतना ही, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहे। जय माता दी।